आए, मलाह फेरन हुआ, खाना खाने गए, बस इतनी टप बात है। आ गया कि अब क्या होगा, देखे नहीं तो क्या कहें किसके साथ। अब ये कोई पता नहीं है किसके साथ, लकनिया के साथ भगा है कि अकेले भगा है। भागलपुर नौगछिया पुलिस जिले में वरमाला के बाद दुल्हा मौके से फरार हो गया। इसके बाद आक्रोशित दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। यह मामला पुलिस तक जब पहुंचा तो थाना अध्यक्ष के साथ ही जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों से बात कर दुल्हे को बुलाने की बात कही। इसके बाद जब दुल्हे के पिता ने आश्वासन दिया तब कहीं मामला जाकर शांत हुआ। जानकारी के अनुसार यह मामला नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के चौधरी बासा गांव का है। यहां पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र से बारात आई थी। हंसी खुशी माहौल के बीच शादी की रस्में निभाई जा रही थी। वरमाला के बाद बाराती भोजन करने चले गए, इसी बीच दुल्हा फरार हो गया। दुल्हे के फरार होने की जानकारी मिलते ही दुल्हन पक्ष में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे कुछ बाराती भी मौके से खिसक गए। वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस मामले की सूचना पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष एजाज रिजवी को दी गई। थाना अध्यक्ष तलपल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान दुल्हन पक्ष ने तत्काल दुल्हे को बुलाने की मांग की। दुल्हा के नहीं आने तक लोगों ने बारातियों को बंदर बनाकर रखा है। ग्रामीणों ने कहा कि शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। बंधक बनाए गए दुल्हा पक्ष के एक व्यक्ति ने कहा कि जब हम आए जयमाला हुआ, इसके बाद खाना खाने गए तो इसी बीच लड़का भाग गया। अब किसके साथ गया है यह हमें पता नहीं। 100 बाराती आए थे, लगभग 10 लोगों को बंधक बनाया गया है, बाकी लोग भाग गए हैं। पूर्वी भिट्टा पंचायत के मुखिया रघुनंदन कुमार उर्फ हुलो मंडल ने थाना अध्यक्ष के साथ दोनों पक्षों से बात की। इस दौरान दुल्हे के पिता ने दुल्हे को लाने की बात कही, तब मामला शांत हुआ। जैसे हम आए, मलाह फेरन हुआ, खाना खाने गए, बस इतनी टप बात है, हम इतने समय में लड़का गुम हो गया, भाग गया कि अब क्या होगा, देखे नहीं तो क्या कहें किसके साथ भगा। अब ये कोई पता नहीं है किसके साथ, लकनिया के साथ भगा है कि अकेले भगा है। कितना लोग आए थे आप लोग बराती? बराती आया था 100 को बराती होगा। कौन कौन से? अभी लड़का लोग को आप लोग यहीं पे है। कितने लोग हैं यहाँ पे आप लोग? वही 10 है, 10 है, 10 तो। हाँ, और सब बराती भाग गया? हाँ चला गया। क्या कुछ कारण रहा, कुछ पता नहीं चला? नहीं। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि शनिवार देर रात दुल्हा गांव पहुंचा और शादी की, बेटी को विदा कर दिया है। शादी करने गांव पहुंचे दुल्हे से लोगों ने पूछताछ की तो यह बातें सामने आई हैं कि दुल्हे को लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए वह भाग गया था। खुलासा के लिए भागलपुर से श्याम सिंह की यह रिपोर्ट।